हेलो एवरीवन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज रैंक पेज रैंक इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक सो पेज रैंक है क्या पेज यहाँ पे वेब पेज को रेफर कर रहे हैं एंड रैंक मींस रैंकिंग रैंकिंग क्या बताता है रैंकिंग टेल्स हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अ वेब पेज ठीक है कि वो वेब पेज कितना इंपॉर्टेंट है तो पेज रैंक बेसिकली एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम है जो गूगल सर्च यूज़ करता है अपने वेब पेजेस को रैंक करने के लिए अपने सर्च इंजन में ठीक है एट द प्रेजेंट टाइम इस टाइम तो किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअली में गूगल पेज रैंक यूज़ करता है नहीं करता मतलब वो यूज़ करता है बट उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें बहुत सारे और एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं तब जाके गूगल अपनी वेब पेजेस को रैंक करता है ठीक है बट इनिशियली गूगल ने ही पेज रैंक एल्गोरिथम दी थी फॉर्मूला तो we'll देखते हैं दिस इज सपोज एक पेज है, है? इसकी हमें पेज रैंक निकालनी है तो कैसे निकालेंगे सारे pages, v, मतलब जितने भी पेजेस जो इनपुट कर रहे हैं यू को उनके पेज रैंक डिवाइडेड बाई एल ऑफ वी दैट इज द लीविंग नोट ऑफ बी फॉर्मूला आपको एक मिनट में समझ आ जाएगा जैसे अभी हम एग्जाम्पल करेंगे बट एग्जाम्पल uh, से पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके इसमें हमारे पास तीन टाइप्स के लिंक होते हैं इनबाउंड लिंक आउटबाउंड लिंक एंड डांजलिंग लिंक्स डांजलिंग लिंक जो होते हैं उसे हम डेड लिंक्स भी कहते हैं ठीक है इनबाउंड लिंक क्या होता है ऐसे लिंक जो आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ए नोड है ए नोड को कौन पॉइंट कर रहा है तो एक लिंक अगर एक और ये हो तो हम कहेंगे इनबाउंड लिंक ए के लिए दो है ठीक है आउटबाउंड लिंक ए से कितने निकल रहे हैं टूवर्ड्स, किसी के लिए भी चाहे वो बी नोड हो चाहे वो सी नोड हो तो आउटबाउंड लिंक कितने है? दो है ठीक है डांजलिंग या फिर डेड लिंक डेड लिंग्स जो है ऐसे लिंग्स होते हैं जो आउटबाउंड नहीं होते मतलब फॉर एग्जाम्पल एक मेरा पेज है ए ए पेज से कोई भी आउटबाउंड लिंक नहीं निकल रहा है तो हम उसे कहेंगे कि डेड डेड लिंक है। और ऐसे पेजेस जो लिंक्स होते हैं, जिनमें सिर्फ उनमें इनबाउंड है कुछ भी आउटबाउंड नहीं है मींस ऐसे पेजेस कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे पेज रैंक में लाइक किसी और की पेज रैंक को डिफाइन करने के लिए तो कई बार जो आउटबाउंड लिंक्स हैं यही लीड करते हैं समटाइम लीड टू डेड लिंक्स आई नो अभी आपको ये चीज समझने में डिफिकल्टी आ रही होगी नहीं समझ आया होगा कुछ भी जैसे ही हम एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी थिंग एग्जाम्पल ओके तो हमारा एग्जाम्पल है हमारे पास चार पेजेस हैं ए बी सी एंड डी उनके डिफरेंट डिफरेंट इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स बनाए हुए हैं इनिशियली हम अज्यूम करते हैं कि अब देखो फर्स्ट बहुत सारी आइट्रेशन करनी होती हैं अब फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हमें कुछ तो अज्यूम करनी पड़ेगी तो इन पे मतलब तो सब की पेज रैंक तो आइडियली वी अज्यूम के वन बाय नंबर ऑफ नोड्स जितने आपके नोड्स हैं वो आपकी इनिशियल पेज रैंक होती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चार पेजेस हैं मतलब चार नोड्स हैं आपके ग्राफ पे तो वन बाय फोर सबकी पेज रैंक इनिशियली होगी तो आई एम राइटिंग वन बाय फोर वन बाय फोर फोर एंड वन बाय फोर ठीक है

पेज रैंक ऑफ सी कितना है 1/4 जो इनिशियली हमने माना है एंड लीविंग नोट्स कितने हैं सी से 1 2 एंड 3 ठीक है थ्री आउटबाउंड लिंक्स है ना तो 3 तो पेज रैंक ऑफ ए कितनी बनी 1/12 सो वी विल राइट 1/12 पेज रैंक ऑफ ए फॉर द सेकंड इटरेशन नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है पेज रैंक ऑफ बी ठीक है पेज रैंक ऑफ बी क्या होगी बी से कहां-कहां कहां से इनपुट आ रहा है C से इनपुट आ रहा है और ए से इनपुट आ रहा है तो दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा तो पेज रैंक ऑफ ए अपॉन में ऑफ़ कितनी लिंक्स आउटबाउंड लिंक्स हैं ए के प्लस पेज रैंक ऑफ सी अपॉन में लिविंग नोड्स ऑफ सी ठीक है तो पेज रैंक एक की कितनी है पुरानी वाली यूज करेंगे जो फर्स्ट आइट्रेशन में थी दैट विल बी वन बाय फोर एंड लीविंग नोट कितनी है एक की वन टू ठीक है तो दो लिविंग नोट्स हैं प्लस पेज रैंक ऑफ सी पेज रैंक सी की कितनी है वन बाय फोर सी की लिविंग नोट्स हैं थ्री तो इट कम्स आउट टू बी वन बाय एट प्लस वन बाय ट्वेल्व अप्रॉक्सिमेटली बी इक्वल टू फाइव बाई ट्वेंटी फोर ठीक है तो इट विल बी फाइव बाय ट्वेंटी फोर नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द पेज रैंक फॉर सी देखो सी के पेज रैंक कैसे निकलेगी कितने इनबाउंड लिंक्स हैं सी के लिए ए से आ रहा है एंड डी से आ रहा है तो इन दोनों की अलग अलग हमें निकाल के ऐड करनी पड़ेगी ठीक है देखो फॉर्मूला क्या है पेज रैंक सबसे पहले कहाँ से आ रहा है लिंक ए से आ रहा है और डी से आ रहा है अपॉन में लिविंग ऑफ़ ए लिविंग ऑफ ए मतलब कितना होगा पेज रैंक ऑफ ए अपॉन में लिविंग नोट ऑफ ए हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट करा था कितना आया था वन बाई एट डायरेक्टली वन बाय लिख रही हूँ प्लस पेज रैंक ऑफ डी डी की पेज रैंक कितने इनिशियल वाली इट इज़ ऑलवेज वन बाई फोर ये हमने अज्यूम करी थी वन अपॉन नंबर ऑफ नोड्स तो वन बाई फोर अपॉन लिविंग नोड्स कितनी है डी के लिए वन एंड बस वन एक ही लिविंग नोट है तो डिवाइडेड बाय वन तो कितना हो गया वन बाई एट प्लस वन बाई फोर दैट विल बी इक्वल टू थ्री बाय ठीक है तो विल राइट थ्री बाय पेज रैंक ऑफ डी डी के लिए बी से आ रहा है एंड सी से आ रहा है तो दो के लिए चलेगा तो पेज रैंक ऑफ डी विल बी पेज रैंक ऑफ बी अपॉन मे लिविंग नोड्स ऑफ बी प्लस पेज रैंक ऑफ सी अपॉन मे लिविंग नोड्स ऑफ सी ठीक है पेज रैंक ऑफ बी है वन बाय फोर सिर्फ ए की लिविंग नोट है डी के लिए ठीक है तो इट विल बी वन बाय फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस पेज रैंक ऑफ सी लिविंग नोड ऑफ सी अभी हमने कैलकुलेट करा था यहाँ पे पेज रैंक ऑफ सी लिविंग नोड ऑफ सी कितना आया था चाहो तो आप ऊपर से डायग्राम से देख के भी कर सकते हो इट विल कम आउट टू बी फोर बाय ट्वेल्व अब यहाँ पे लिख लेते हैं फोर बाय ट्वेल्व अब देखो हमें इनको कंपेयर करना है अब आप ऐसे ही जैसे अभी फॉर्मुले लगाए ऐसे ही मल्टीपल आइट्रेशन कर सकते हो और जितनी आइट्रेशन आप करोगे उतना प्रिसाइज रिजल्ट मिलता है ठीक है मैं अभी सेकेंड नाइट्रेशन पे ही रुक रही हूँ और यहीं पे आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ कि किसकी पेज रैंक ज़्यादा है किसकी कम है अब मुझे इसको कंपेयर करना है तो उसके लिए इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए ओके सो मैं इनके डिनोमिनेटर अगर सेम करके लिखूंगी इट विल कम आउट टू बी वन बाय ट्वेल्व ट्वेल्व के टर्म्स में ले लेते हैं इसको मैं कर देती हूँ टू पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व हो जाएगा ये हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व एंड इट इज़ फोर बाय ट्वेल्व अब देखो रैंक क्या बनेगी इन सब की जिस पेज का रेशियो जितना ज़्यादा उसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस ठीक है तो पेज रैंक कितनी बनेगी सबसे कम किसका है ए का तो इसकी पेज रैंक वन देन टू पॉइंट फाइव पेज रैंक टू देन फोर बाय ट्वेल्व थ्री एंड सी की फोर ठीक है और जितनी हायर पेज रैंक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज ठीक है page, इसका हाईएस्ट पेज रैंक है सी का तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो उसको रैंकिंग भी सबसे हाईएस्ट मिली तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं देखो आपको ये चीज़ यहाँ से समझ आ जानी चाहिए हमें क्या करना है जैसे कई लोग ट्राई करते हैं कि हमारा वेब पेज ऊपर आना चाहिए इनिशियल डेज में अब तो बहुत सारे अलगर्थम्स लगे हैं ये सब चीज़ें ज़्यादा काम नहीं आएंगी बट इनिशियली पेज रैंक का क्या मतलब है कि कितने मतलब जैसे सी वेब पेज है अब सी वेब पेज को कितने सारे दूसरे वेब पेज लिंक कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास ए वेब पेज है यहाँ पे सी का हाइपर लिंक पड़ा है जो की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है ठीक है? है, है, है। एक मेरा वेब पेज है। उसमें भी C का है। भी का हाइपरलिंक पड़ा वो को कर रहा है। तो ऐसे था 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 था। तो जितने ऐसे पेजेस होंगे उतनी उस वाले पेज की पेज रैंक बढ़ेगी उतना वो ऊपर आएगा मतलब ऐसा होगा कि उसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है कि बाकी सारे पेजेस उसी एक पर्टिकुलर पेज को लिंक कर रहे हैं बाल नेक्स्ट इज पेज रैंक विद डैम्पिंग फैक्टर ठीक है डैम्पिंग फैक्टर को हम टेलीपोर्ट भी कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज टेलीपोर्ट देखो डैम्पिंग फैक्टर पे अपने आप पे क्वेश्चन आ रखे हैं तो ध्यान से समझना देखो पेज रैंक की जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि एक इमेजिनरी बंदा है जो सर्फिंग कर रहा है हमारे वेब पेजेस के थ्रू ठीक है रैंडमली कहीं भी क्लिक करता जा रहा है हमारे एक वेब पेज होता है उसमें बहुत सारे इंटरनल लिंक्स होते हैं जो दूसरे दूसरे वेब पेज उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो जो बंदा है वो डिफरेंट दिफ्रें डिफरेंट लिंक्स पर रैंडमली क्लिक कर रहा है और वो इवेंचुअली एक टाइम के बाद स्टॉप करेगा ठीक है ये होता है पेज रैंक थ्योरी ये कहती है अब डी क्या है डी इज द डैम्पिंग फैक्टर ये एक प्रोबेबिलिटी है किसी भी स्टेप पे जब वो जो बंदा है वो लिंक्स को फॉलो करता रहेगा ठीक है प्रोबेबिलिटी के वो बंदा लिंक्स को फॉलो करेगा इज डी दैट इज द डैम्पिंग फैक्टर एंड प्रोबेबिलिटी के वो बंदा एकदम से रैंडमली किसी पेज पे जंप करके आया है दैट इज वन माइनस डी ठीक है इसका फॉर्मूला क्या है डैम्पिंग फैक्टर का जैसे हमें पेज रैंक को फिर निकालना है डैम्पिंग फैक्टर को यूज करके तो वन माइनस डी प्लस ये रेड से जो है यही सिर्फ डिफरेंट है बाकी सेम फॉर्मूला है वन माइनस डी प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय सबकी पेज रैंक जहाँ से इनबाउंड लिंक्स आ रहे हैं ए की तरफ डिवाइडेड बाय उन सब के लीविंग नोट्स मतलब आउटबाउंड लिंक्स उन सब के फॉर एग्जांपल ये वी का क्या मतलब है जैसे ए की तरफ जैसे सी से आ रहा है तो वो भी कैलकुलेट होगा बी से आ रहा है तो बी के लिए भी कैलकुलेट होगा डिवाइडेड बाय सी का अपना लीविंग नोट्स एंड बी के अपने लिविंग नोट्स वो जो भी होंगे जितने भी होंगे ठीक है डैम्पिंग फैक्टर के साथ हमें पेज रैंक निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है जो डैम्पिंग फैक्टर डी की जो वैल्यू है वो जीरो से वन के बीच में आती है और अगर गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू यू यूज इज यू जीरो पॉइंट एट फाइव ठीक है याद रखना है, जीरो पॉइंट एट फाइव बाई डिफॉल्ट हम डी की वैल्यू यूज करते यू हैं सो so, आई होप आपको पेज रैंक क्लियर होगा रैंकिंग का मतलब क्लियर होगा कि इंपॉर्टेंस फाइंड करना है एक वेब पेज की पेज रैंक पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसे कैसे करते हैं एक ग्राफ दिया होगा उसके थ्रू आपको सबकी पेज रैंक निकालनी है जितनी आइट्रेशन हम ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी पेज रैंक निकलती है एंड uh, जितनी हायर पेज रैंक होगी उतना ही वो इम्पोर्टेंट होगा वो पेज ठीक है देन हमने डैम्पिंग फैक्टर देखा डैम्पिंग फैक्टर के साथ पेज रैंक का फॉर्मूला देखा सर सो या थैंक यू